नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रोमा इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष रोजगार पर आधारित एक नई वीडियो के साथ, एक खास जानकारी के साथ। और आज की जो जानकारी है काफ़ी खास होने वाली है। दोस्तों आपके सामने एक मशीन है, आपको देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा लेकिन काफ़ी बड़ा ये काम भी करता है। और ऐसा ये काम करता है, ऐसा ये सामान का निर्माण करता है जो डेली आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस विषय में सारी जानकारी देंगे। हमारे साथ खड़े हैं एस बी इंजीनियरिंग के ऑनर अजीत सर, और डीपली जानकारी आपको देंगे क्या है ये बिजनेस, कैसे ये प्रॉफिटेबल है, इसको कर कितने पैसे आप कमा सकते हैं। तो बने रहिएगा दोस्त इस वीडियो के अंत तक, बहुत खास जानकारी होने वाली है। तो स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। थैंक यू सर, और आपको भी, आपका भी हमारे कंपनी एस बी इंजीनियरिंग में स्वागत है। सर तो ये हमारे सामने जो मशीन है ये सर किस तरह की मशीन है? सर ये जो अभी सामने में मशीन देख रहे हैं ये मिक्सर मशीन है, और इसके जस्ट बगल में जो ये मशीन आप देख रहे हैं ये प्लॉटर मशीन है। यानी कि हम एक ऐसी मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके दैनिक जीवन में डेली यूज का चीज़ है, और वो है डिटर्जेंट केक, जो दैनिक जीवन में महिलाएं यूज करती है घर में कपड़े धोने के लिए, या घर के किसी भी कपड़े को धोने के लिए, चाहे वो आपका पैंट शर्ट हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो पर्दे हो, उस धोने के लिए जो डिटर्जेंट केक का यूज किया जाता है वही बनाने वाले ये मशीन आप देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिटर्जेंट केक मेकिंग मशीन के बारे में। तो यहाँ पर सर तीन मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, तो तीनों मशीन का ये एक यूनिट है। ये कटर मशीन है, यानी कि रोटरी कटर के बाद जो आपने रोटरी ब्रांडिंग करने के बाद और रोटरी थोड़ा थोड़ा कटिंग करने के बाद आप इसमें डालेंगे, तो ये जिस साइज में भी आप ब्लेड को सेट करेंगे, ये सारा ब्लेड है, ये जिस साइड में आप ब्लेड को सेट करेंगे उस साइज में आपको डिटर्जेंट केक को काटते चला जाएगा। इस तरह से आपका डिटर्जेंट केक बन के रेडी हो जाता है। अब इसके बाद की प्रक्रिया है पैकिंग की प्रक्रिया। पैकिंग के लिए आप नॉर्मल हैंड से भी पैक कर सकते हैं या ऑटोमेटिक मशीन भी ले सकते हैं। ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन भी होता है और नॉर्मल पैकिंग भी आप हैंड से कर सकते हैं। जैसे पेपर की पैकिंग भी होती है बहुत सारे डिटर्जेंट केक में, और एक प्लास्टिक की भी पैकिंग होती है। अगर पेपर की पैकिंग होती है तो वो नॉर्मल आपको हैंडमेड होता है, और अगर प्लास्टिक की पैकिंग करनी है तो आपको ऑटोमेटिक मशीन लेना होगा। इस तरह से टोटल आपको चार मशीनों की मिनिमम आवश्यकता है, अदरवाइज आप पैकिंग लेके पांच मशीन भी ले सकते हैं। जैसा बजट है आपका उसके अनुसार इस मशीन का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर एक और सवाल है कि अगर कोई इस बिजनेस को शुरू करना चाहे, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि काफ़ी कमाल का बिजनेस है, चार साल मशीनों से साथ शुरू मतलब कर रहे हैं। इतना कमाल का बिजनेस है सर कि मतलब आपके अगल बगल में इसकी फैक्ट्री दिखेगी ही नहीं। बहुत देखने में तो बहुत बड़ा बिजनेस है ये, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपके अगल बगल में और आपके लगभग हमको लगता है कि 500 किलोमीटर के रेंज में चारों तरफ में आपका कहीं ये फैक्ट्री नहीं बैठा होगा। अगर आप बैठाते हैं तो आप अपने एरिया के सबसे फर्स्ट पर्सन होंगे ये बिजनेस करने वाले। बिल्कुल, तो ऐसे जो भी डिटर्जेंट किट का निर्माण करते हो ब्रांडेड कंपनियां ही करती है, छोटे स्तर पर तो कोई करती नहीं है, और देखा मैंने भी नहीं देखा है। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा लाइसेंस वगैरह की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे बाथिंग सोप अगर आप बनाते हैं जो नहाने वाले साबुन है, उसमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह की भी आवश्यकता होती है, प्रक्रिया भी होती है, प्रक्रिया भी है, क्योंकि वो स्किन से रिलेटेड है। लेकिन इसमें बहुत सारे लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं है। आप मतलब एक छोटा सा लघु उद्योग का उद्योग आधार करके रजिस्ट्रेशन होता है उसको करा के और इस बिजनेस को आप नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, या कितने पैसे में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नॉर्मली आपको मतलब लगभग 3.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग हमारे पास मॉडल है। 3.5 लाख रुपए से ये बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर में। उसके बाद जो है 1.5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल, यानी कि लगभग नॉर्मली 5 लाख रुपये आपको लेके चलना पड़ेगा मिनिमम। 5 लाख रुपया में फुल फ्लेज में एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, 5 लाख रुपए के आसपास में ये बिजनेस बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा और आप अपने घर पे डिटर्जेंट केक बनाना स्टार्ट कर लेंगे। सर एक और सवाल है कि इसका प्रोडक्शन क्या है, कितना प्रोडक्शन दे पाती है? लगभग ये देखिए, जो भी आप डिटर्जेंट केक खरीदते हैं मार्केट में तो वो केजी पे निर्भर करता है। 200 ग्राम का होता है, 100 ग्राम का बार होता है, 250 ग्राम का बार होता है, 175 ग्राम का, 175 ग्राम का भी होता है। तो नॉर्मली ये एक घंटे का प्रोडक्शन मिनिमम हमारा मशीन कोई भी 100 केजी कर देगा आपका। 100 केजी पर आवर का प्रोडक्शन आराम से है आपको। बचत कितनी होगी सर, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर बचत का तो इसमें ऐसा सवाल है ये कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब बचत इतना अच्छा है कि आप आराम से इसमें 32-35% तक कमाई कर सकते हैं। 30% तक आराम से कमा सकते हैं? आराम से सर, मतलब एक बार की कीमत मार्केट में 5 रुपये की भी है, 10 रुपये की भी है, 5 रुपये से कम कोई बार नहीं है आपको, ठीक है।
और एक 5 रुपये वाले बार बनाने का खर्च मैक्सिमम आपको 2 रुपया 2 रुपया 25 पैसा आता है। फार्मूला कहाँ से मिलेगा सर? फार्मूलेशन वगैरह के लिए भी हमारे केमिकल इंजीनियर होते हैं। अगर जैसे ही आप मशीन को ले जाते हैं तो फिर हम आपको अपना इंजीनियर भेजते हैं, वो सारा कुछ करके आपको एक बार में दिखा देते हैं। और इस मशीन को चलाने के लिए कितनी बिजली की खपत होती है सर? ये मशीन जो है आपके ऑर्डर के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से आप ऑर्डर देते हैं। अगर आपके पास सिंगल फेज है तो सिंगल फेज में भी ये मशीन हम बना के दे देंगे आपको, और ट्रिपल फेज में भी बना के दे देंगे। दोनों तरह से ये मशीनें हमारे पास होती हैं। अब सिंगल फेज में अगर आपको चाहिए तो सिंगल फेज में मतलब मोटर का साइज बढ़ जाता है, और ट्रिपल फेज में मोटर जो है कम होता है, यानी कि बिजली का खर्च कम आता है। ठीक है, लगभग आपको 3 किलोवाट का कनेक्शन मिनिमम चाहिए इस मशीन को चलाने के लिए। तो कोई भी बंदा अगर बिजनेस को शुरू करे सर, तो वो भी वो देखेंगे 4-4 मशीनों को ऑपरेट करना है, तो अकेले तो होगा नहीं, तो कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी सर? मिनिमम इसमें 2 लोगों की आवश्यकता होगी, एक मिक्सर पे फुल टाइम के लिए चाहिए, और एक बंदा जो है प्लोडर पे भी काम कर लेंगे, और एक कटर पे भी काम कर लेंगे, और जो रोटरी कटर है उसमें किसी लोगों की जरूरत नहीं होती। एक बार आपको प्लोडर में आपको माल डालते जाना है और रोटरी कटर अपने आप कट करके निकाल देता है, उसके बाद आपको इसमें डालना होता है, इसमें डाल के अपने आप ये भी मशीन काम करता है। फिर यानी कि कहा जाए तो लगभग 20x20 के रूम में, 20x20 का जो बड़ा सा कमरा है उसमें ये संचालित हो सकता है। बिल्कुल सर, 20x20 का कमरा भी आपने ज़्यादा ही बोल दिया, 15x20 का भी कमरा हो 300 स्क्वायर फीट में ये चारों मशीनें आपकी लग जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी, एकदम नई जानकारी हमारे दर्शकों को आपके द्वारा मिला। बिल्कुल सर, और हमारे दर्शक निश्चित इसका लाभ लेंगे। तो दोस्तों आपने सुना अजीत सर की सारी बातों को, निश्चित रूप से बेहतरीन बिजनेस है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप निसंदेह संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे से कुछ सवाल पूछने से रह गया होगा, तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी उस फ़ोन नंबर पर। और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो यहाँ का कम्प्लीट एड्रेस आपको दिया जाएगा, वहाँ से आके यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं उसके द्वारा। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रोमा इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए